नाइस एंड ब्यूटीफुल डे और आज हम जा रहे हैं सनराइज देखने टू द बीच। यहाँ से जो 600 मीटर की दूरी है और हम वहाँ जाके सनराइज दिखाएंगे। चलते हैं बीच की तरफ और आप लोग सुपरी खाते हैं, ठीक है? बीच का नजारा सुबह सुबह का है ना, सनराइज के मौसम का। और देखो मम्मी भी आ रही है, तो अभी टाइम कितना हो, 6:30 है ना। हम रात को जल्दी जल्दी टाइम पे सो गए थे और अभी सुबह के टाइम पहुंच जाएंगे ताकि हम सुबह सुबह बीच जाएंगे, ठीक है, प्लान करने के लिए मॉर्निंग फॉर्म। क्योंकि जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से बीच काफी पास है, इसलिए हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गए, राइट? ये स्ट्रीट है जो सीधे बीच की तरफ जा रही है। और देखो जैसा देख सकते हो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा बीच है। वाओ, सो एक्साइटेड गाइस। सो गाइस बीच जहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे नाव खड़ी है ना, वहाँ पे से बीच स्टार्ट हो रहा है। ओ भाई, और गाइस हम पहुंच चुके हैं बीच में, सब देख सकते हो। वाओ कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ब्राइटनेस चाहिए कोई यार, अंधेरा रखा बहुत। लहर आ गई, लहर आ गई। अरे यार फोटो खींचेंगे और एस्थेटिक वाली, मैंने एक फोटो स्क्रीनशॉट मारा था यार। मेरी भी ब्रो, मेरी भी समुद्र किनारे कितनी जोर से आवाजें कर रही है। वाओ इतना मजा आ रहा ना बीच में आके, तो मैं पहली बार आ रही हूँ जिंदगी में, फर्स्ट एक्सपीरियंस है बीच में आने का। एंड रियली इट इज वेरी वेरी अमेजिंग यार, इतना सुंदर लगा रही है, क्या बताया। मतलब लहर इतनी तेज की उठ रही है, उसमें हमारे पैरों को टच कर रही है। वाओ इतनी मस्त तो फीलिंग है ना, क्या ही बताए। वाओ, और अभी ना सनराइज भी हो चुका है, तो चलिए आपको सनराइज दिखाते हैं, कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। वाओ यहाँ पे देखो मम्मी और रूबी अभी रील बना रहे हैं यहाँ पे, उनको देखो जरा, मैं इनकी वीडियो दिखा दी तुम लोगों कैसे रील बना रहे हैं।
मैंने फसल सुना था, मैं यहाँ पे रूबी भी बना रही है अपने लिए छोटा सा घरौंदा टाइप का, रूजो भी एकदम भाग जाएगा रूबी, जो की भागने वाला है अभी लहराएगी तो ऊपर नहीं, अभी जिंदगी में बनाया नहीं है, बना लो एक बार काम कर। हेलो गाइस, तो मम्मी से चलो पूछते हैं कि मम्मी को बीच वाले कैसा लगा। मम्मी आप बताओ, आपको एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा लगा आपको बीच वाले बताओ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं था समुंदर भी देखूंगी, लेकिन कहे तो बड़ा बहुत बड़ा वो है प्रैंक। ओ माय गॉड, प्रैंक हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा रहा है, कितनी मस्त लग रही है ना, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं मैं कभी पास भी नहीं मान ली, कभी समुंदर निकला। बड़ी कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें हो जाती है जो कभी हमने सोच लेती हो जाती है ना, मन की दया से दरवाजा खुला है 2023 में। तो वैसे भी बीच से घूमने के बाद अभी आ रखे हैं हमें एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, ये है बड़ा और ये है इडली। हाँ तो हे एवरीवन, अभी हो रहा है दिन का टाइम, अभी 12 या 1 बज रहा है ना, अभी हम दोबारा से सुबह भी आए थे बीच में और दिन में दोबारा से, क्योंकि सुबह तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आ गए थे, बट अभी रूबी और मैं आ रखे थे ठीक है, क्योंकि हमने सुबह ना बिना ऐसे तैयार कर आ गए थे, फोटो शूट कराओ अपना, इसलिए आप अभी अच्छे से एकदम बीच वाले क्लोज आउटफिट में आ रखी ताकि अच्छे से फोटो वोटो खिंचवाए, और हमने सारी फोटो भी खिंचवा ली है, वीडियो खिंचवा ली, बड़ा मजा आया गाइस, मतलब बीच में आने की फीलिंग अलग है, पहली बार इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्या बताऊं। तू भी करना, तू भी करना, तू भी कुछ बोल फीलिंग चलनी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगे। यहाँ पे एक अंकल थे जम्मू के, उन्होंने काफी हेल्प की क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदी बोल नहीं रहा है जनरली, तो ऑटो वाले से उन्होंने बात किया, उन्होंने हिंदी में बात किया, काफी मजा आया।